hey guys welcome back if you're new here i am mahesh welcome to my channel in today's video i'm going to share this sweet proof makeup look with chicken curry dress and if you want to know how i created this makeup look then please keep watching but before jump into the video please take a moment to like subscribe and share so without further ado let's jump straight in the video सो so, मैंने यहाँ पे आज जैकलिन हिल पैलेट नंबर वन लिए है और उससे पहले मैंने अपनी आइज़ को प्रिपेयर कर लिया था उसके बाद मैंने पाउडर से सेट कर लिया था जैकलिन हिल पैलेट में से मैंने यहाँ पे लाइट ऑरेंज शेड लिया था फॉर क्रीज़ की डेफ़िनेशन के लिए उसको डिफ़ाइन करने के लिए और जो कि आपका सबसे पहले ट्रांजेक्शन शेड होता है उसको आपको लाइट ही लेना पड़ता है ताकि फर्दर आप अपनी स्टेप्स में मूव ऑन होते हैं सो बेसिक स्टेप यही होता है हर एक में में अगर आप एक बड़ी नाइस सी फिनिश चाहते हैं तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम मज़ीदी स्टेप्स पे जाते हैं मैंने इसको अच्छे से डिफ़ाइन कर लिया क्लीन ब्रश की हेल्प से मज़ी ब्लेंडिंग कर ली उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और डार्क जो है ऑरेंज शेड लिया था बट नॉट सो मच बट थोड़ा सा ज़रा डार्क उसके बाद मैंने यहाँ पे पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसको लगाया अपनी क्रीज़ के सेकेंड स्टेप्स में यानी कि सेकेंड क्रीज बनाई मैंने जो कि मेरी आई का एक पूरा शेप होता है उसको मैंने यहाँ पे लगा के इसकी मैंने ब्लेंडिंग कर ली एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे इसी पैलेट में दो ब्राउन शेड लिए एक चॉकलेट ब्राउन और एक थोड़ा सा लाइट ब्राउन मिक्स किया और इसको मैं अपने आउटर वी पे लगा रही हूँ मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए ब्लैक का इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज़ आई वॉज़ क्रिएटेड दिस मेकअप लुक फॉर डे टाइम सो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो एक बहुत खूबसूरत शेड लिया वो मैंने ब्राउन लिया और ब्राउन का सिल्वर एंड वाइट के साथ बहुत अच्छा मैच होता है तो बेसिकली आप इस चीज़ को सिलेक्शन के टाइम ये ज़रूर देखा करें कि आप मेकअप लुक किस टाइम क्रिएट करें इसके बाद मैंने यहाँ पर आउटर वी पे इसको लगा के डिफ़ाइन किया था एंड उसके बाद मैंने सिल्वर शेड इसी पैलेट में से लिया था और उसके बाद मैंने मजीद इसको फिंगर की हेल्प से मैंने इन बटाली शेड्स को अप्लाई किया एंड आउटर वी पे अगेन मैंने ब्राउन शेड को जो है वो इसकी ब्लेंडिंग कर ली एंड वी साइड पे ब्लेंडिंग करनी है उसके बाद मैंने यहाँ पे इसी पैलेट में से लिया था मैट गोल्ड शेड और उसको मैंने यहाँ पर ब्रॉबोन पे लगा के हाईलाइट कर लिया और इस तरीके से मैं इसको इनर कॉर्नर्स पर भी लगा के हाईलाइट करी हूँ बहुत बिगनर फ्रेंडली फ्रेंडली ये मेकअप है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सेम जो मैंने आई शेडो यूज़ किया था अपने मेटेलिक आई शेडो उसी को मैं अपनी लोअर लेश लाइन पर अप्लाई करी हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल ब्रश उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला पेन आईलाइनर जो है स्लीक सा मुझे एक छोटा सा विंग क्रिएट करना था तो मैं यहाँ पे आज ये वाला आई लाइनर जो है वो यूज़ करी हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत स्लीक सा मैंने यहाँ पे आज विंग क्रिएट किया है बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक ये वाले ब्रश से की हेल्प से मैं यहाँ पे काजल लगा चुकी हूँ एंड बाकी मैंने जो भी लैशेस एप्लीकेशन थी वो ऑफ कैमरा कर ली थी प्राइमर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं का इंस्टेंट पोर इरेज प्राइमर फेस पे एंड नेक पे अच्छे से मैज़ की एप्लीकेशन करूँगी ताकि ईवनि फ़ेस एंड नेक पे ये लग जाए और जब मैं फाउंडेशन अप्लाई तो स्मूथली इसके ऊपर ग्लाइड ऑन हो जाए उसके बाद मैं यहां पर अप्लाई करी कलर करेक्ट कनेक्शन और ये वाली जो पैलेट है ये ग्लैम गर्ल बाय मेवि साकिब की जो पैलेट है बहुत अच्छी पैलेट है एंड ये दो फाउंडेशन मैं यूज़ करी हूँ ब्यूटी नेकेड एंड बीबी फाउंडेशन फ्रॉम टी वी पार्लर कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छा इन दोनों का कॉम्बो होता है और बहुत अच्छी सी फिनिश आती है बड़ी अच्छी सी मैट फिनिश एंड फेस पे बिल्कुल भी कुछ रखा हुआ फील नहीं होता लाइट वेट है इसको मैं लगा के अपने फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से मैं इसकी यहाँ पे ब्लेंडिंग करी हूँ एंड उस के बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था जी ये वाला कंसीलर दिस इज़ फ्रॉम सिल्क फॉल एंड इनकी इनकी भी मेकअप रेंज बहुत अच्छी है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनका ये कंसीलर बहुत अच्छा है फेस के हाई पॉइंट पे लगा के मैं इस वाले कंसीलर की ब्लैंडिंग करी हूँ अंदर एरिया एंड इसके अलावा जॉ लाइन पे एंड फॉर एंड चेन एंड फ्रिज ऑफ द नोज़ और इसकी मैं यहाँ पर ब्लैंडिंग करी हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली ये ब्लैंड आउट हो रहा है कितना अच्छा हाईलाइट हुआ एच पाउडर फ्रामी ए पी मैं वो यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ बहुत अच्छा पाउडर है बहुत अच्छी एच डी है इसकी नो no डाउट बहुत अच्छी फिनिशर्स पाउडर की आप इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं एंड फॉर कंट्रोल मैं यहाँ पे क्रीम कंट्रोल यूज़ कर रही हूँ ग्लैम गर्ल बाय मैवि साकी की ही जो है यहाँ पे कलर कलेक्शन पैलेट में से बहुत अच्छा सा ये वाला भी कंट्रोर है और बड़ी अच्छी सी इसकी जो है वो ब्लेंडिंग हो जाती है फेस पे रखा हुआ बिल्कुल फील नहीं होता है एंड अच्छी सी फिनिश के लिए फेस पे कंट्रोलिंग की ये स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप स्किप्ट हाँ क्या करें फॉर ब्लशर्स मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ टेरा कॉटर ब्लशर्स फ्राम ब्यूटी क्लेस इसकी अच्छे से मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग करी हूँ एंड फॉर हाइलाइटर आई एम यूजिंग क्रिस्टीन का हाइलाइटर एंड लिपस्टिक आज मैंने यूज़ की थी मेडोरा की एंड ग्लैमरस फेस कॉस्मेटिक्स की एंड अदर वन इज फ्राम स्वीट फेस इन तीनों को मैंने मिक्स करके जो है आज अप्लाई किया एंड हेयर इज़ माई फिनिश लुक द टू वर्स दैट कम्स टू माई माइंड आई सॉ द फिनिश लुक इज़ पावरफुल एंड क्लासी आई To hear it from you by commenting below. If you enjoyed this video, do not forget to tag me on social media. All links are right down below in this video. I love you guys so much, and I will see you soon with the brand new video. Bye guys.